हमारे लोग कॉन्फिडेंट ना हो जाए। लेकिन लाहौर में भी सेफ सिटी है, इस्लामाबाद में भी सेफ सिटी है, लेकिन वो उसके नतज नहीं आ रहे जो आने चाहिए। अगर मैं आपको क्लियरली कहूँ, एक सिर्फ नाम लिखने के लिए कि सेफ सिटी मैंने कर दिया कराची में और मैं कैमरा डिप्लॉय कर दूँ और उसकी रिजल्ट कोई ना, वो मैं नहीं चाहता। तो मैंने और चाह रहा हूँ कि जो भी सोल्यूशन आए वो तो सोल्यूशन इस शहर के लिए बेहतर हो। हमने जो लाहौर में सेफ्टी अथॉरिटी उनके साथ भी कंसल्ट किया है, जो जो प्रॉब्लम जहाँ रहेंगे उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। हम अभी तक पिछली मीटिंग में भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। तो आप ये कहना कि जी बस मैं कैमरा चार लगा दूं, इस वक्त भी कराची में बाकी शहरों से ज्यादा कैमरे हैं, खत्म कर लो नहीं यार, ठीक है। तो सिर्फ ये कहना कि जी मैं एक नाम की खातिर की जी मैंने सेफ सिटी कर दी और मैं अनाउंस कर दूंगा लगा दूँ, वो मैं नहीं करूँगा। मैं वो चीज़ करूँगा जो इस शहर के लिए, जो इस शहर के सूबे के मुल्क के लोगों का टैक्स का पैसा है वो प्रॉपर खर्च हो जाए। यही प्रोजेक्ट कभी वो 30 अरब का हो जाता है, फिर 23 अरब का हो जाता है, अब डॉलर का चेंज आ गई इस वजह से कोई फर्क पड़ रहा है। तो जब तक हमारे टेक्निकल लोग उनका कॉन्फिडेंस नहीं आता है और वो अग्रीमेंट नहीं होता है, लेकिन इसे ये मतलब नहीं कि हम वो हमारे पास इस वक्त भी जो भी जराइम होते हैं उनके जो कैमरे हमारे डिप्लॉयड हैं इस वजह से, इस वक्त भी कराची शहर में बाकी जगहों से ज़्यादा कैमरे डिप्लॉयड हैं। तो ये मैं इसको मानता हूँ बिल्कुल कि इसको और जल्दी होना चाहिए, लेकिन सोल्यूशन वो होना चाहिए जो कि शहर के लिए कारामद और फायदेमंद हो। साहब सिंध सरकार बहुत मुद्दा सां फायदो कयो जनवरी जे आख में किस जगह घर ठाण लाइ उहा ॾींदा थी हिन वक़्त कोई मसलो। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ये सिंध हुकूमत का और बिलावल सरकारी प्रोजेक्ट आज तक इस किस्म का प्रोजेक्ट सोचे, 2010 में भी फ्लड आया था, 2011 में भी फ्लड आया था, हमारी जो रिसेंट पास्ट में से पहले 76 में बड़ी फ्लड आई थी, 90s में फ्लड आए थे, तभी भी किसी हुकूमत ने ये तहिया नहीं किया कि हम घर बना के देंगे जिन लोगों के घर तबाह हुए फ्लड, पहली बार। और ये फ्लड भी तारीख का सबसे बदतरीन फ्लड था जो कि पूरे सिंध जिसने इस गिरे में लिया, 20 लाख से जायद घर हैं जिनको हमने देना है। अब उसके लिए ये आसान काम नहीं था, आसान काम नहीं है, मैं अभी भी नहीं कहता कि हमने कोई इसको कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये रिजॉल्व है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सिंध हुकूमत का, चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब की हिदायत पे कि हम ये कर देंगे। और उस सिलसिले में हमने जो फाइनेंसिंग है उसकी भी अरेंजमेंट की है, मतलब पूरी अभी तक नहीं हुई है, इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को कराची में कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं जिसमें हम पोस्ट जिनीवा जिन लोगों ने प्लेजेस किए हैं उनको हम अपने प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे। इसलिए वो प्लेजेस आगे 9.5-10 अरब डॉलर के तकरीबन प्लेजेस आए, सिंध हुकूमत वाहिद हुकूमत है जिसने उन 9.5-10 अरब डॉलर में से तकरीबन 2 अरब डॉलर से ऊपर के प्लेजेस को प्रोजेक्ट में कन्वर्ट किया। और उसमें एक प्रोजेक्ट ये भी है आपका फ्लड वाला हाउसिंग का, जिसमें 500 मिलियन डॉलर हमने वर्ल्ड बैंक से अप्रूव करा लिए। सर्वे आसान काम नहीं है, इधर बैठ के ये घर की बात नहीं है, वो 50 लाख घर वाली हवाई बात नहीं है, ये गरीबों के 20 लाख घर जो तबाह हुए हैं उनको क्लाइमेट रिजिलियंट बनाना, ताकि ऐसा भी ना हो कि अभी तो आपने घर बना दिए और अगले सैलाब में फिर वो डूब गया। उस सिलसिले में हमने अपने इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स जो कि अच्छी शोहरत रखने वाले एनजीओ उनको साथ मिलाया है, सर्वे वो वैलिडेट कर रहे हैं, कर चुके हैं काफी हद तक, इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को हम इसका लॉन्च भी करने जा रहे हैं। तो आपकी जो खर्चा अपनी जगह पे है, एक में खत्म इसकी बात कर लीजिए, खर्चा आप कब जगह पे, लेकिन ये एक मैं कह रहा हूँ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, ये हमारा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कभी पहले नहीं हुआ और इंशाल्लाह ताला इसको हम मुकम्मल करके देखें। अभी टाइम में शॉर्टेज है, हमारे पास आधे से कम फंड है इस वक्त अवेलेबल, और हम कोशिश हमारी यही कि बाकी फंड हम अवेलेबल करें, लेकिन अगर हम इंतजार करेंगे कि जब तक पूरे पैसे जमा करें उसके बाद डिस्बर्समेंट शुरू करें, ये भी पॉसिबल नहीं है। लोगों को सब जरूरत है, उनकी छत पे छत नहीं है इस वक्त, तो ये सारी चीज़ें रियलाइज करके, लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने सेफ्टी प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट करता, इसमें हम कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, लोग अरबों रुपए की हम ठेके देंगे कोई नहीं, वो लोग अपने घर खुद बनाएंगे, इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स उनको गाइड करेंगे, वो उनको चेक करेंगे, उसके ऊपर
हमारी गवर्नमेंट की मिशन रहेगी। तो एक बार कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का प्लान बना, इंशाल्लाह उसमें टाइम जरूर लगा है, जनवरी का एंड नहीं तो फरवरी के पहले फिर में चलना शुरू हो जाएगा। मेरे भाई आप, मैं बहुत मार्गदर्शन, आप गए हो, देखा है आपने सैलाब में स्कूलों की जो हालत हुई है, 40,000 हमारे स्कूल है उससे आधे अफेक्टेड है। कई स्कूल ऐसे जो बाहर देखने में तो बिल्डिंग सही नजर आती है, जैसे आप उसके अंदर जाते हैं उसकी छत की हालत, उसका फ्लोर पूरा साफ हुआ हुआ है। अब इस हालत में हमें 3 महीने लगे, 6 महीने लगे या साल लगे बाहरी में 20,000, तो क्या आप तालीम को पीछे छोड़ दें? इस वक्त वो बच्चे, और मैं कई स्कूलों में गया, वो क्रिटिसाइज कर रहे थे जायज कि वो बाहर बैठ के, अब सर्दियों में तो आप बाहर बैठ के किसी पेड़ के नीचे या साया की जरूरत नहीं होती, आप पढ़ाई कर सकते हैं। 2 महीने बाद गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, क्या आप, और 2 महीने में ये स्कूल, मैं कहूँ कि चाचा तो ये मैं आज रेनोवेट, लेकिन रेनोवेट नहीं हो सकेगी। इस वजह से सरदार शाह साहब मेरे साथ खड़े, हमने बच्चों की तालीम को छोड़ नहीं सकते, तो हमने ट्रेंड स्कूल के प्रोग्राम बनाए, इसको भी अच्छी तरह वेट करके कि जहाँ फायदेमंद होगा वहाँ पे हम उस स्कूलों को टेम्प्रेरी तौर पे इस काबिल कर सके कि उसके अंदर लोग सेफली बच्चे पढ़ सके, वहाँ करेंगे जहाँ जरूरत होगी वहाँ ट्रेंड स्कूल। मुझे इसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन आप बड़ी आसानी से कहते हैं आप प्लीज कैंसिल भी कर सकते हैं। एक इसके सामने एक इमारत इधर है और एक इमारत मेरी इस तरफ है, वो इमारतें बहुत कुछ करने होती हैं, वो इमारतें हमें अभी ये भी बता रही है कि फ्लड के अंदर आपने कैसे टेंट बांधने, तो ये थोड़ा जो है कहना बड़ा आसान है, इनके साथ डील करना जो है बहुत ही मादरत के साथ थोड़ा सा मुश्किल। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत एहतराम है, लेकिन ये लीज कैंसिल कर दो ये कर दो, भाई इतना आसान होता, सही काम करने के लिए भी कई बार, और ये मैं नहीं कह रहा कि हम कोई कानून तोड़ के करना चाहते हैं, कानून में अंदर जो पावर भी है ना लीज कैंसिल करने के, बाकी जगह मेरे दाएं और बाएं ये मैं इशारे ऐसे कर देता हूँ, यहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरे ख्याल यही होगा, इन चीज़ों से थोड़ा सा होता है तो आपका जवाब मेरे ख्याल मिल गया होगा। मेरा ये पावर नहीं है कि मैं एक और मैं कह दूँ, मेरा ये पावर नहीं है कि मैं ए बी या सी को मेयर कह दूँ, जो जीतेगा वो मेयर बनेगा, जो भी बनेगा हम उसके साथ बिल्कुल काम करेंगे एज एन इलेक्टेड बॉडी। मैं वो भी चाहूँगा कि जो भी बने वो ये एहतराम जरूर करे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, और रोना धोना नहीं शुरू करे इलेक्ट होने से पहले या इलेक्ट होने के बाद कि जी इश्तहारात नहीं है, फलाना दी नहीं है, ढमकाना नहीं है। और मेरी ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तालुक रखता हूँ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त कराची शहर की सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है सामने, तो हमारा हक भी है, मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, और तो हर एक को हो सकता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही मेयर आएगा।